मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा ट्रिप का डे फोर है और हम अभी निकले हैं सुबह सुबह मंदिर के दर्शन के लिए। हम जाएंगे यहाँ से माँ मंगला करके एक मंदिर है काकटपुर में, मंगला माता का, वहाँ पे थोड़ा दर्शन करेंगे, फिर पुरी जाएंगे और कोणार्क जाएंगे। तो आज भी रात हो जाएगा हमारा, लंबा दिन रहेगा आज भी। तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिरों के दर्शन में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक घंटे के अंदर पहुंचेंगे काकटपुर में, वहां पे माता का दर्शन करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन के लिए। वहां पे भगवान तो नहीं है, मंदिर देख के आना है खाली। और वो कोणार्क सन टेम्पल के पास में एक बीच भी है चंद्रभागा करके, एक्चुअली वहाँ पे सुबह सुबह आना चाहिए था 5 बजे उठ के, क्योंकि वहाँ का सनराइज देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, ये है काकटपुर का माँ मंगला का मंदिर। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा सकता हूँ। ये जो है ये मेन एंट्रेंस है, यहीं से एंट्री होती है और अंदर माता की मंदिर है। और कितना सुंदर मूर्ति है, ब्लैक कलर की, मार्बल की, क्या खूबसूरत मूर्ति है माँ की, देख के ना आँखें भर जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे कोणार्क और कोणार्क से जाएंगे पुरी। मिलते हैं फिर, चलिए बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, हम लोग आके पहुँच गए कोणार्क में और ये आपके सामने है कोणार्क का सन टेम्पल। यहाँ पे आगे टिकट काउंटर है, टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेके अंदर एंट्री लेनी पड़ती है। मौसम साफ नहीं है, धुंध है थोड़ा, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना इसके लिए। तो नज़दीक से मैं आपको क्लियर व्यू देने का कोशिश करता हूँ। देखिए, जितना नज़दीक पहुँचेंगे मंदिर उतना बड़ा होते होते जा रहा है। दूर में से इसलिए बहुत छोटा था, लेकिन अभी वो मूवी में डायलॉग था ना, तेंदुआ स्लोली स्लोली बड़ा हो रहा है, वैसे मंदिर स्लोली स्लोली बड़ा हो रहा है। वो पहले से बड़ा है, हम दूर है इसलिए हमें। तो फ्रेंड्स, आज के दिन में कोणार्क टेम्पल कुछ ऐसा दिखता है। ये जो है ये नाट्य मंडप का भग्नावशेष है, मतलब मंदिर का जो एंट्रेंस, इसको नाट्य मंडप बोला जाता है। वहाँ सामने दो शेर की मूर्तियाँ हैं, अभी ये पूरी तरह से टूट गया है, इसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ रिपेयर वर्क किया है। और ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, ये कोणार्क टेम्पल का मुखशाला है। तो ओडिया में मुखशाला उसको बोलते हैं जो मंदिर के सामने एक छोटा सा मंदिर होता है, उसको मुखशाला बोला जाता है। और उसके पीछे साइड में जो मेन टेम्पल था भगवान का, वो अभी नहीं है, उसको काला पहाड़ करके एक मुस्लिम रूलर था, उसने तोड़ दिया है। तो अभी का जो सीनरी ये है, ये जो मंदिर की आकृति है, ये एक रथ चैरियट के आकृति से बनाया गया है। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस हुआ करता था। और जो सूरज की पहली किरण है, वो
जाके सूर्य देव का जो चरणों में गिरा करता था, ऐसा मान्यता है। देखिए ये व्हील्स। चल मुने जाऊँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी कोणार्क टेम्पल से निकल रहे हैं पुरी के लिए। मंदिर को मामाली ने अच्छे से देख लिया और एंजॉय भी काफ़ी किया और फोटोग्राफ्स भी बहुत सारे खींचे। तो मैं जो आपको दिखाया पिछले वीडियो में, जो मुखशाला है कम टेम्पल का, उसके पीछे मेन मंदिर था जिसको कि तोड़ दिया गया है। और उस मंदिर में दो मैग्नेट्स लगे हुए थे और मैग्नेट के बीच में सूर्य भगवान का मूर्ति लटका हुआ था। वो ऐसे लटका हुआ था कि लगेगा कि दोनों मैग्नेट का जो आकर्षण था ऐसा लटका हुआ था कि लगेगा कि जैसे मूर्ति हवा में झूल रहा है, टंगा हुआ है। और सूरज की पहली किरण जो है वो सूर्य भगवान का पैरों को स्पर्श करता था। तो उस मंदिर टूटने के बाद में बाकी सब जो बच गया है वो मैंने आपको दिखाया है। इस मंदिर को उड़ीसा के एक फेमस राजा थे जिनका नाम था लांगुला नरसिंह देव, उन्होंने बनवाया था। और इसमें पूरा 1200 कारीगर लगे थे मंदिर को बनाने के लिए। तो उड़िया में वो जो कारीगर थे हम लोग उनको बढ़ई बोलते थे। और राजा का टोटल 12 ईयर्स का जो खजाना है इस मंदिर का निर्माण में चला गया था। तो ये है एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। चलिए फिर हम पुरी निकलते हैं और मिलते हैं पुरी में। फ्रेंड्स, ये जो रोड है ये कोणार्क से पुरी का जो मरीन ड्राइव का रोड है, देखिए कितना प्यारा रोड है, कितना खूबसूरत। एक ट्री टनल है, ट्री टनल के अंदर हम लोग जा रहे हैं, मस्त दिख रहा है। बिल्कुल समंदर के किनारे किनारे का ये रोड है। मेरे लेफ्ट साइड में आपको सी मिलेगा और राइट साइड में जो है वो लैंड एरिया है। तो अभी हम लोगों को 20 किलोमीटर और जाना है, 40 मिनट लगेगा, लगभग आधे घंटे से 40 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर जाके वहाँ पे प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना है और दर्शन करने के बाद में प्रसाद, महाप्रसाद लेना है और सीधा भुवनेश्वर के लिए हम लोग निकल जाएंगे और आज का दिन का हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो आप बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ में, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ सुझाव देना हो आपको अगर तो कॉमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पुरी में आके पहुंच गए हैं और ये पुरी का जो बड़दांड है जहां पे रथ यात्रा होता है। तो सामने हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर आएगा, यहां से कम 3-4 किलोमीटर के बाद हम लोग पूरा जो मौसी माँ का उनका मंदिर है उसके पास में है। और ये 4 किलोमीटर का है पूरा, तो पूरा जगमगाते रोशनी से पूरी अभी नहलाने वाली है। शाम हो गई है, शाम का टाइम हो रहा है 5:30। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी मंदिर जाएंगे गाड़ी पार्किंग में लगा के, और मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है तो हम आपको मंदिर का अंदर का नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर निकलने के बाद में हम आपको बाहर से मंदिर का वीडियो लेके दिखाने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स बात ऐसा है कि जो इस ब्लॉग का जो एंडिंग वीडियो था मैंने उसको भुवनेश्वर पहुंचने के बाद में शूट नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग को पहुंचते पहुंचते रात का 11 बज गया था और हम लोग सब काफ़ी थके हुए थे, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो ये रीज़न था कि मेरे को ये वीडियो बाद में इसको शूट करना पड़ा। तो जो हमारा दिन था कोणार्क और पुरी, हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और मंदिर में मामाली को एंट्री नहीं मिल पाई जगन्नाथ टेंपल में, क्योंकि वो व्हीलचेयर में थी और व्हीलचेयर के लिए कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है पूरी जगन्नाथ टेंपल में। तो वहाँ पे जो जगन्नाथ मंदिर के अटेंडेंट थे वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग इसको उठा के लेके जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया और हम लोगों ने, मैं और धर्मपत्नी जी मिल के जाके जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके आए। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, भीड़ बहुत ज़्यादा था हालाँकि, लेकिन फिर भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। और तब तक मामाली को हम लोगों ने जो मेन एंट्रेंस है टेंपल का, सिंह द्वार जो था, लायंस गेट जो है ना, वहाँ पे जो पुलिस ऑन ड्यूटी थे उनके पास में छोड़ के गए हुए थे। तो उसका भी जो पेशेंस है उसको मानना पड़ेगा, काफ़ी सपोर्ट किया उसने हमारा आने तक, वो वहाँ पे बैठी रही और हम लोग उसके बाद में पूरी से जगन्नाथ महाप्रभु का जो महाप्रसाद है वो सेवन करके हम लोग निकले, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और सब लोग थके हुए थे। तो हम लोग को आके आराम करना पड़ा, क्योंकि अगले दिन सुबह भी हमारा जो जर्नी है उसको भी कंटिन्यू करना था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, जितना हो सकता था हम लोगों ने कैप्चर किया इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे साथ में यूँ जुड़े रहने के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे अभी इजाज़त दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।